इस्लाम से दीनी मुताल्लिक हर मालूमात। तरह की वीडियोस देखने के लिए दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को एक बार जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहे मुहर्रम में काला लिबास पहनना कैसा है? सियाह लिबास पहनते हैं मुहर्रम के महीने में, अपना शियार बना लेते हैं, इसका क्या हुक्म है शरीयत में? काला लिबास पहनना कैसा है, शरी हुक्म क्या है इसके मुताल्लिक? बिल्कुल, अल मौसवतुल फिकिया खोलिएगा, जिल्द नंबर 11 सफा नंबर 352 पर मौजूद है कि इस्लाम ने गम और सोग की वजह से सियाह लिबास पहनने से मना किया है। और याद रखें, एक हदीस में आता है कि हजरत इमरान बिन हसीन रदियल्लाहु ताला अन्हु और अबू बुर्दा रदियल्लाहु ताला अन्हु असलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु जो है उनका बयान है कि एक मरतबा हम हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ एक जनाजे के साथ चल रहे थे तो कुछ लोगों को, कुछ हजरात को देखा कि उन्होंने मातम से अपनी चादरें उतार फेंकी हैं और सिर्फ कमीजें पहनकर चल रहे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा तुम जाहिलियत का काम करते हो, क्या जाहिलियत के काम से मुशाबहत पैदा करते हो? मैंने इरादा किया है कि तुम पर बद्दुआ करूं तो तुम्हारी सूरतें बदल जाएं। फिर रावी कहते हैं कि उन लोगों ने अपनी चादरें बांध ली, फिर ऐसा नहीं किया। यह हदीस इब्ने माजा में खोलकर देखिए मौजूद है, मिश्कात शरीफ में भी मौजूद है सफा नंबर 152 पर। इससे यह पता चलता है कि मातम की वजह से, सोग मनाने की वजह से, किसी गम की वजह से लिबास तब्दील करके एक लिबास इख्तियार कर लेना, खास लिबास, चाहे वो किसी भी कलर का हो, ये शरान जायज नहीं है। अब मसला ये समझिए, मुहर्रम में काला लिबास पहनना कैसा है? सियाह लिबास, ब्लैक लिबास, काला लिबास पहनना कभी आप पहनिए, किसी भी वक्त पहनिए, शरान इसकी इजाजत है। ऐसी कोई बात नहीं है कि काला लिबास पहनना शरीयत में मना हो, काला लिबास पहनना शरीयत में हराम हो, नाजायज हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि साबित है। काला लिबास पहनना साबित है, सबूत है इसका। लेकिन अब जो हजरात मुहर्रम के महीने में काला लिबास पहन रहे हैं वो क्यों पहन रहे हैं? वो सोग मनाने की वजह से, वो गम की वजह से, वो मुहर्रम की वजह से पहन रहे हैं। आम लिबास पहनने की तरह नहीं पहनते हैं, बल्कि किसी वजह से पहन रहे हैं, गम की वजह से पहन रहे हैं, सोग मनाने की वजह से पहन रहे हैं, मातम की वजह से पहन रहे हैं। लिहाजा काला लिबास पहनना उस वक्त जायज नहीं होगा, नाजायज होगा। अगर कोई काला लिबास कभी भी पहनता है कोई बात नहीं है, पहनने तो जायज है, काला लिबास पहन सकता है, लेकिन ये समझ कर पहनता है कि मुहर्रम में काला लिबास पहनना चाहिए, मुहर्रम में काला लिबास पहनने का हुक्म आया है, ये गलत है। किसी हदीस में ऐसा हुक्म नहीं आया है मुहर्रम के महीने में काला लिबास पहनो, मुहर्रम के महीने में सियाह लिबास, सियाह कपड़ा पहनो, ऐसा कोई हुक्म नहीं है शरीयत में। जब हुक्म नहीं है मुहर्रम के महीने में इसको खास करके पहनना सियाह लिबास, तो क्या शरीयत में तुम दाखिल नहीं कर रहे हो? जब शरीयत में दाखिल कर रहे हो तो फिर नाजायज है, बिदअत है, क्योंकि काले लिबास की शरीयत में तख्सीस नहीं है कि काला लिबास फला महीने में पहनना है तुम्हें, शरीयत ने हुक्म नहीं दिया है। जब हुक्म नहीं दिया है शरीयत ने, लिहाजा तुम इसको शरी हुक्म मानकर या न भी मानो, लेकिन एहतमाम तो उसी वक्त कर रहे हो यानी मुहर्रम के महीने में, लिहाजा समझ में आया कि तुम इसको शरीयत समझ रहे हो, इससे बचना चाहिए। आम मुसलमानों के लिए मैं यही बताना चाहता हूं, आप अगर काला लिबास पहनना चाहते हैं कभी भी पहनिए, लेकिन मुहर्रम की वजह से काला लिबास पहनना या शहादत हुसैन की वजह से, सोग मनाने की वजह से, गम की वजह से काला लिबास पहनना जायज नहीं है, शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है। और खासकर जहां रवाफिज हैं, जहां शियों का अड्डा है, वहां पर आप काला लिबास पहनने से परहेज करें, बचें, क्योंकि गैरों से तशब्बो है, क्योंकि बाज हजरात ऐसे हैं मुहर्रम में काला लिबास पहनने को अपना शियार बना चुके हैं, लिहाजा आप हजरात उनसे मुशाबहत इख्तियार मत करें। मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम,
ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 569 پر موجود ہے کہ جو جس سے تشبہ اختیار کرے گا وہ انہی میں شامل ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ حضرات ان شیعوں سے، ان روافض سے تشبہ اختیار کرنے سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ مسئلہ کالا لباس پہننے کے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں، کالا لباس پہننا بالکل جائز ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن محرم کی وجہ سے پہننا یا محرم کے مہینے میں شہادت حسین کی وجہ سے پہننا یا غم اور سوگ منانے کی وجہ سے پہننا جائز نہیں ہے۔ اور محرم کے مہینے میں جو کالا لباس پہنتے ہیں، کیوں پہنتے ہیں؟ اسی وجہ سے پہنتے ہیں، غم کی وجہ سے پہنتے ہیں۔ لہٰذا ناجائز ہے محرم میں کالا لباس پہننا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لاجواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے، آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں۔ سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں، یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی۔ اور اگر واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے دیے گئے نمبر پہ میسج کریں۔ نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی۔